आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गारंटी की जो कि केवल परमपिता परमात्मा समझ सकती है। और आज अगर आप दुनिया में देखें, कोई चीज़ गारंटी के साथ नहीं आती है, सिर्फ वारंटी के साथ में आती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ की गारंटी परमात्मा देते हैं जो कि है अनंत खुशी, अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति की, जो कि हम जब चाहे ले सकते हैं। लेकिन उसको लेने के लिए हमारा हक तब बनता है जब हम उनको अपना रचयिता मानते हैं और उनको हम जानते हैं और उनसे हम उनके ज्ञान और गुण को और शक्ति को लेना जानते हैं, जो कि वही सिखाते हैं कैसे लेना है। और ये सब कुछ पॉसिबल तब हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि इस दुनियावी नॉलेज और दुनियावी ज्ञान के सामने उनका ज्ञान सबसे ऊंचा है, जिसको वो कई धर्मों में नॉलेज कहते हैं, इल्म कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, महावाक्य कहते हैं। तो एक समय आ गया कि जब हम सब आत्माएं परमात्मा से जुड़ करके, उनसे जुड़ करके, उनसे हम अनंत खुशी, अनंत प्रेम, अनंत शांति ले सकते हैं। जब सारी दुनिया थक जाती है दुनिया भी प्रेम, दुनिया भी खुशी, दुनिया भी शांति से, तब जाकर के एक समय आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक परिवर्तन की लीला आती है, जिसमें इंसान ढूंढना शुरू करता है कि सत्यता क्या है, सच्चा प्रेम क्या है, सच्ची शांति क्या है, सच्ची खुशी क्या है। और उसको वो तभी समझ आता है जब वो पहचानता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। क्योंकि हमें सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में कि मेरा सच्चा अस्तित्व क्या है, तब जाके सच्ची खुशी आती है। क्योंकि झूठे इस चमड़ी वाले अस्तित्व से हमें दुनियावी चीज़ें और चमड़ी से रिलेटेड चीज़ें, शरीर से रिलेटेड चीज़ें याद आती हैं, जो कि कभी स्थिर नहीं हो सकती है, तो हमारी खुशी भी कभी स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए आज हम परमात्मा के महावाक्य में सुनेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं एक बेहद की खुशी के बारे में। तो परमात्मा कहते हैं कि बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब पढ़ते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तब जाकर के उनको रिवाज के हिसाब से कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, जिसको मिलने के बाद में वो अपार खुशी में जाते हैं कि भैया अब तो मेरी लाइफ सेट होगी, मेरे को 30 दिन के बाद में, 31 दिन के बाद मेरी सैलरी आ जाएगी, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, केयर फ्री हो जाता है इंसान वो। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं उसी चीज़ के साथ में रिलेटेड, तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, घर में बैठे बैठे परमात्मा ने बुला लिया, किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी बहाने से, चाहे रिश्तेदार के द्वारा, चाहे कोई दोस्त के द्वारा, चाहे कोई न्यूज़ चैनल के द्वारा, आपको जिस समय आपको ज़रूरत थी उनकी, आपकी पुकार को उन्होंने सुना और आपको बुला लिया। और आप मेडिटेशन करने गए, 7 दिन का आपने राजयोग का अध्ययन किया और आपने पहचाना कि मैं कौन और परमात्मा कौन है। फिर परमात्मा कहते हैं आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। जैसे दुनिया में भी देखें, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पता तो नहीं होता है कि जिस घर में पैदा हुआ अमीर है गरीब है, लेकिन जो बड़ा जैसे होता जाता है उसको थोड़ा सा उसको आभास होता जाता है कि हाँ, मैं एक अमीर इंसान के घर में पैदा हूँ, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो मेरी होगी, या मैं एक बिजनेसमैन के घर में पैदा हूँ, उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस मेरा होगा, जो भी होता है उसको आभास होता है। उसी तरीके से परमात्मा का बच्चा क्या मिलना चाहिए उसको, परमात्मा के बच्चे को। आज इंसान सोचते हैं कि परमात्मा का बच्चा हुआ है तो धन दौलत मिलनी चाहिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें कर्मों का ज्ञान, सबसे बड़ा धन, दुनिया की रचना कैसे करी है सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी वेल्थ में वो तुम्हें दे देता हूँ, जिसके द्वारा तुम अपने आप को सच्चे रास्ते पर चला करके कर्मों के सिद्धांतों के अनुसार तुम सही कर्म करके दुनिया की चीजें भी पा सकते हो। लेकिन मुझे पाने के लिए तुम्हें दुनिया भी चीजों से दूर हो करके रह रहे हो सब चीजों के साथ में, लेकिन उससे डिटैच हो करके, धन संपत्ति को छोड़ना नहीं है सब कुछ, लेकिन फिर भी डिटैच हो करके तुम मुझसे कनेक्ट हो तो तुम्हें इन चीजों से सुख खुशी और प्रेम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें अस्थिर हैं, आज व्यक्ति भी अस्थिर है, चीजें भी अस्थिर हैं, तो इनसे अगर खुशी और प्रेम अगर ढूंढोगे तो तुम कभी स्थिर बुद्धि नहीं हो पाओगे। क्योंकि हर आत्मा का, हर चीज का एक समय है, एक लिमिटेशन है, लेकिन मेरी कोई लिमिटेशन नहीं, परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चा बनना अर्थात अधिकारी, अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला,
परमात्मा माना, मेरा भगवान माना, मेरा पिता माना, मेरा ही माना, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनका जो कुछ भी है वो मेरा हो गया। फिर परमात्मा कहते हैं, तो वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा श्रेष्ठ अधिकार परमात्मा को जानने का, पहचानने का। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप आकर के 7 डेज का कोर्स करेंगे और जानेंगे कि आप कैसे अधिकारी हो सकते हैं और आपका उनके साथ में रिश्ता क्या है, परमात्मा के साथ में वो देते क्या है हमें। धन दौलत नहीं देते, बच्चे बच्चे नहीं देते, गाड़ी बंगला नहीं देते, वो देते क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भोले के में हैं, हम एक झूठे अंडरस्टैंडिंग में, झूठे ज्ञान में हम घूम रहे हैं कि भगवान से मुझे घर मिला, भगवान से मुझे गाड़ी मिली, भगवान ने मुझे नौकरी दी। ये डायरेक्टली नहीं मिलता है, ये तब मिलता है जब हमारे कर्म ठीक होता है। वो भी कर्म कब ठीक होता है, जब हमारा ज्ञान ठीक होता है। ज्ञान से कर्म बनता है और कर्म से प्राप्ति और भाग्य बनता है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो कुछ मिल रहा है उनसे मिल रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। बेहद का, हद का नहीं। हद में क्या आता है, गाड़ी घोड़ा, नौकरी, बच्चे बच्चे, ये सब कुछ, नौकर चाकर, ये हो गए हद की बातें। ये अधिकार नहीं है, बेहद का अधिकार, जिसको कोई हद नहीं होती, वो अनंत ज्ञान, अनंत खुशी, अनंत प्रेम, वो सब कुछ पाने के बाद में ये सारी चीजें मिलनी आसान रहती है। फिर परमात्मा कहते हैं, यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। जो चीज कंफर्म है, दोनों में कोई एक चीज ऐसी बता दो जो कि कंफर्म है। अगर आपके पास में कोई चीज कंफर्म है तो लिख लेना आप कमेंट बॉक्स में, कि आपको दुनिया में जो भी चीजें दिखती हैं, सुनती हैं, आप देखते हो, फील करते हो, कोई भी चीज निश्चित है क्या हमेशा के लिए? अगर नहीं है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन परमात्मा एक ऐसी हस्ती है, अनंत हस्ती है, जो कि भौतिक चीजों से नहीं बनी है, एक आत्मा है। वो जैसे आप भी हैं, आप भी आत्मा है, लेकिन वो अनंत शक्ति आपको अनंत प्रेम, अनंत खुशी, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान दे सकती है। उनसे जुड़ना कैसे, वो आप प्रमोकोमाइज में सीख पाएंगे। और अगर आप और भी विस्तार में जानना चाहते हैं तो 7 डेज का कोर्स करें और उसके बाद में जा करके आप और गहरा अध्ययन करें। और अगर आपको एंग्जाइटी के बारे में कुछ पता करना हो, ज़्यादा चिंता करना, तो कल हमारा सेशन होने वाला है 5 बजे से 6 बजे तक का। हर संडे को सेशन होगा अलग अलग टॉपिक्स पर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने के लिंक चाहिए तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, या अगर आपको व्हाट्सएप का नंबर नहीं दिख रहा, अगर आप यहाँ ऑडियो सुन रहे हैं तो आप मुझे किसी न किसी माध्यम से मुझे कॉन्टैक्ट करें और मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। इसके साथ ओम शांति।